सुनिएगा। हर गुनाह की कोई सजा होती है, हर दुख की कोई वजह होती है, थक हार कर कभी रुक मत जाना, हर रात के बाद सुबह होती है। ध्यान से सुनिएगा, दोबारा से बोल रहा हूं, थक हार कर कभी रुक मत जाना, हर रात के बाद सुबह होती है। कितनी कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में, चाहे कितने भी हर्डल क्यों ना आए हमारी लाइफ के अंदर, चाहे अगर हम सीए कोर्स कर रहे हैं, अगर हमें ऐसा कभी भी ऐसा फील क्यों ना हो, यार मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, मुझे पेन हो रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, आपको बेटा ये सब माइंड का गेम है। जिस दिन आपने अपने माइंड को समझा दिया कि बेटा देख अपने को सीए करना है और सीए करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आगे पढ़ूंगा, जब जब तुमको डर लगे, क्या लिखते हैं वो, जब जब तुमको डर लगे अग्निपथ पर चलने से, जब जब तुम घबरा जाओ सच की राह पे बढ़ने से, जब जब आंख से ओझल हो मंजिल ये अधिकार से, जब जब दिल ये बोझल हो हालातों की मार से। मतलब इन्होंने परेशानियां लिखी हैं कि हमारे जीवन के अंदर किस किस तरह की परेशानियां आती है। मैं दोबारा से वो चार पंक्तियां रिपीट करूंगा आपके सामने। जब जब तुमको डर लगे अग्नि पथ पर चलने से, जब जब तुम घबरा जाओ सच की राह पर बढ़ने से, जब जब आंख से ओझल हो मंजिल ये अधिकार से, जब जब दिल ये बोझल हो हालातों की मार से। ये परेशानियां थी। अब वो बताते हैं क्या करना चाहिए। तब तब खुद को संभालो, हर मुश्किल को मुश्किल में डालो, खुदा हो तुम खुद को जानना, कुछ भी हो जाए पर हार मत मानना। ध्यान से सुनिएगा दोबारा, तब तब आपने परेशानियां देखी, अब उसके बाद ये लिखते हैं, तब तब खुद को संभालो, हर मुश्किल को मुश्किल में डालो, खुदा हो तुम खुद को जानना, कुछ भी हो जाए पर हार मत मानना। हार मानने वालों की इस लोक में ना ही परलोक में, दोबारा सुनिएगा, हार मानने वालों की इस लोक में ना ही परलोक में जगह होती है, थक हार कर कभी रुक मत जाना, हर रात के बाद सुबह होती है। बेफिक्र।